आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। संजय प्लस स्थित आधार सेवा केंद्र पर फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का एक सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पकड़े गए युवक के कब्जे से नकदी के साथ फर्जी कागजात मोहर बरामद हुई है। हरिपर्वत पुलिस ने मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया है। संजय प्लेस स्थित आधार सेवा केंद्र पर फर्जी आधार कार्ड बनवाने वाला गैंग सक्रिय है। सीधे साधे और अनपढ़ लोगों को आधार कार्ड बनवाने के नाम पर शिकार बना रहे हैं। फर्जी मोहर और दस्तावेजों से आधार कार्ड बनवाकर लोगों को दिए जा रहे थे। हालांकि ऑफिस में हर फॉर्म की गहनता के साथ जाँच की जाती है, फिर भी कर्मचारियों की थोड़ी सी लापरवाही से फर्जी आधार कार्ड बन जाती है। प्रबंधक देवराज त्रिपाठी का कहना है कि फर्जी आधार कार्ड बनाने वालों पर नजर रखी जा रही थी, इसी बीच शातिर पकड़ में आ गया। नहीं, एक्चुअली गैंग नहीं बोल सकते हैं आप, कुछ लोग हैं कि जो कि गलत रास्ते पे हैं, तो जब हम मॉनिटरिंग कर लेते हैं तो उसको हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, तो पुलिस उसके अकॉर्डिंगली उसमें एक्शन करके उनको एविडेंस के साथ में अगली कार्रवाई करते। वो एक्चुअली हम उसको मॉनिटर कर रहे थे पहले, और जब हमें शक हुआ तो हमने पुलिस चौकी संजय पैलेस को इन्फॉर्म किया, और उन्होंने आकर के उसकी गतिविधियां देख करके अरेस्ट किया। उसके बाद में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अनऑथराइज्ड मिले उसके पास। फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाने वालों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही थी। इसके साथ ही ऑफिस के कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड्स को भी लगाया गया था। युवक की गतिविधियां संदिग्ध दिखने पर संजय प्लेस चौकी इंचार्ज अनिल शर्मा ने आकाश नाम के युवक को पकड़ लिया। उसके कब्जे से 17,450 रुपए, 2 मोबाइल फोन, 10 फर्जी आधार कार्ड, 6 फॉर्म, पार्षद की फर्जी मोहर, 2 स्टैम्प भी बरामद हुए। पकड़े गए युवक को चौकी इंचार्ज संजय प्लेस अनिल शर्मा ने जेल भेज दिया है। सर, एक्चुअली ये केसेस तो बहुत कम हो चुके हैं, कहीं मुश्किल से 8-10% ही बचे हैं, बट हाँ, इस विद इन 1 मंथ ये सब चीज़ें कंट्रोल हो जाए। गैंग नहीं कह सकते, ये कुछ भटके हुए लोग हैं जिनको पता नहीं है कि इसकी महत्व क्या है, कि हम गलत स्टैम्प लगा के क्या कर सकते हैं और क्या उसके नुकसान देश को हो सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि उनको समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आप जिसको नहीं जानते हैं और नहीं पहचानते हैं, उसके बारे में आप एक सर्टिफिकेट कैसे दे? अगर हमारे यहाँ विजिलेंस नहीं है, इतना तेज़ नहीं ये बन सकता था। लेकिन फर्जी बड़ा करके कई लोग बनवा भी चुके होंगे। नहीं, मेरे ऑफिस में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मैं इसके बहुत चेक्स करता हूँ, समय समय पर आगाह करता हूँ लोगों को, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने लेट डाउन करी हुई हैं बाहर, और 24 घंटे मेरे ऑफिस का स्टाफ, आपने देखा होगा कि बाहर भी 2 लड़के बैठे हुए हैं, 3-3 गार्ड हमने लगाए हुए हैं, और इसमें हम पूरी और 100% सतर्कता बरतते हैं। बसई कला ताजगंज का रहने वाला आकाश आधार सेवा केंद्र के बाहर घूमकर सीधे साधे लोगों को शिकार बनाता चला रहा था। हालांकि आधार कार्ड निःशुल्क बनाए जा रहे हैं, लेकिन आकाश आधार कार्ड बनवाने के नाम पर अनपढ़ और सीधे लोगों से पैसे ऐंठ रहा था। शातिर आकाश फॉर्म पर पार्षद प्रधान की फर्जी मोहर लगाने के साथ ही फर्जी हस्ताक्षर भी कर देता था। आधार सेवा केंद्र में अब प्रत्येक फॉर्म की गहनता से जाँच की जा रही है। जाँच के दौरान सोमवार को भी फर्जी फॉर्म पकड़ में आ गया। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।